अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक क्रिकेट स्पेशल के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। तीसरा और आखिरी टेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, पिंडी में शुरू हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको आपका तारुफ भी नहीं कराया, आपको मिलवाया भी नहीं लोगों से। अभी आप बैठे रहे, मैं अभी आपसे मिलवाता हूँ। कल के प्रोग्राम में हम बात नहीं कर सके क्रिकेट पर, क्योंकि एक फ़ुटबॉल के प्लेयर बैठे हुए थे, वो क्रिकेट पे बात ही करना नहीं चाह रहे थे। तो आज हमने सोचा कि पहले दिन पे बात की जाए। गंगुली ने टॉस जीता और कमाल की बात यह है कि 5 वनडे में इंजमाम ने टॉस जीता और 3 टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने टॉस जीता। विकेट लोग कह रहे थे कि हरी विकेट है, घास भी थी और घास थी। गंगुली ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। गंगुली के जो 45 मिनट थे उसमें ऐसा लग रहा था कि गंगुली का फैसला गलत है, मगर 45 मिनट बाद वो फैसला ऐसा सही साबित हुआ कि लंच तक 80 रन पर पाकिस्तान के 4 प्लेयर आउट हो चुके थे। और फिर जो कुछ भी सारे दिन हुआ, मैं उसके बारे में आपसे बात करता रहूँगा। इरफान पठान, नेहरा बालाजी, हाँ बालाजी बहुत अच्छी गेंदें करा रहे थे। अगर वो विकेट पे कराते तो मुमकिन था कि लंच से पहले ही हमारी टीम आउट हो चुकी होती। सही है। इंजमाम 2 मरतबा आउट हुए। पहली मरतबा डेविड शेफर्ट ने फैसला नहीं दिया, वो लेग बिफोर थे, मगर दूसरी ही गेंद पे वो कॉट बिहाइंड हो गए। मेरे मेहमान जो हैं, जिनकी आवाज़ें आप सुन रहे होंगे और जिनकी हरकतें आप देख रहे होंगे, ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इन्हें बुलाया क्यों। मगर लूज टॉक में जितने लोग अब तक आए हैं मेरे मेहमान, क्या उनमें से किसी एक का भी दिमागी तवाज़ुन ठीक था? नहीं था। इसलिए मैंने इनको दावत दी है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है, किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं, ये क्या है? बताएगा पत्थर मारूंगा। ये नहीं करें आप, पत्थर मारूंगा। आप क्या मेरे बताओगे तो नहीं? नहीं, किसी को बताओगे? पत्थर मारूंगा। नहीं, किसी को जोर से पत्थर मारूंगा। पत्थर मैं नहीं बताऊंगा। ये ना मुल्तान की पिच की घास है। हाथ नहीं लगाना, मुल्तान के पिच की घास है। ये आपको कहाँ से मिली? ये है ना, सारे क्रिकेटर्स खा चुके थे पहले से, तो बोर्ड वालों ने मुझे बुला के मुल्तान में बोले घास ले जाओ। मैं ले आया। इंसान घास कैसे खा सकता है? क्या चीज? इंसान घास कैसे खा सकता? अबे जब घास, एक बात बताओ, ये जब घास, ये जब खानी नहीं थी तो भाई कटाई क्यों थी? मुल्तान के विकेट पे से। हाँ, क्यों कटाई थी? अच्छा, हाँ। ये पत्थर क्यों लाए हैं आप? ये पत्थर ये खाली पत्थर नहीं है, ये पत्थर बताएगा तो मारूंगा मैं किसी को। बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। ऐसा नहीं कहती। बताएगा ये पत्थर जो है ना, ये है कोच का पत्थर, ये शोएब अख्तर, ये जो है मुईन खान, ये जुहन्ना, और ये जो है ना वो दूसरा क्या नाम, फरद, इमरान फरद। बस समझ गया जी, समझ गए। और ये इंजमाम के लिए, ये इंजमाम के लिए। मुझे तू भी इंजमाम ही लग रहा है। नहीं नहीं, मैं आप इसको रख दे प्लीज। मैं आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ये ना मैंने, ये मुल्तान की जो पब्लिक थी ना, उन्होंने अपने खिलाड़ियों के लिए ये पत्थर सब जमा किए थे, मैं उनसे ले आया। मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मैं पत्थर मारता हूँ, बस। इसका मतलब है कि आप मुल्तान का मैच देखने गए थे? हाँ, गए थे ना, पांचवें दिन क्या हुआ, टिकट वापस करने गए। हमने बोला भाई मज़ा नहीं आ रहा तो टिकट वापस कर दें। बोर्ड वालों ने पैसे ही नहीं दिए वापस, तो मैंने फिर बोर्ड वालों के मारे पत्थर सारा। सुनिए, मैंने कहा बात सुन दे इधर, मैंने तो पत्थर ऐसे मारे ना बोर्ड वालों को, मैंने धड़ाधड़ उन लोगों को मैंने पत्थर मारे।
बोर्ड, मेरे पत्थर वापस दो, इधर रख दो मेरे पत्थर। सुनिए, मैं मुल्तान से लाया, मैं पत्थर दे दो, एक भी पत्थर कम हुआ ना तो बजिया में तुम्हारे सर फाड़ दूंगा। मैं बजिया नहीं हूँ, बजिया मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, मैं, मेरा नाम अनवर मकसूद। ठीक है, ठीक है। ये हरकत आप दोबारा नहीं करेंगे। ये मेरे से जो है ना गलत बात करते हैं ना, मैं अनवर पत्थर मार देता हूँ। आप पत्थर क्यों मारते हैं? देखो एक बात सुनो, ब्रैडली और वो क्या नाम है अपना शोएब अख्तर, वो जब पत्थर मारते हैं तो सारे तारीफ आ जाते हैं, है? मैं पत्थर मारूं तो मेरे को गालियां देते हैं, क्यों भाई? ये क्या इंसाफ है? बोलना, आपकी बोल क्यों नहीं रहा, तू बोलता क्यों नहीं है? शोएब अख्तर ने किसको पत्थर मारा? क्या चीज? शोएब अख्तर ने किसको पत्थर मारा? तुमको तो फास्ट बॉलिंग की दुम का नहीं पता है, तुमको फास्ट बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में ऐसे ये मारते हैं, ये यूं करके मारते हैं, बेवकूफ। याद रखो 100 की स्पीड से ना पत्थर आ सकता है, बॉल नहीं आ सकती। शोएब अख्तर से दुनिया का हर बैट्समैन डरता है। मुझसे तो सारी दुनिया डरती है। ओबे यार, अभी देख तू भी डरेगा थोड़ी देर में, मैंने मार दिया ना, मार दूंगा मैं पत्थर, बता रहा हूँ मैं। मैं क्रिकेट के बारे में बहुत जानता हूँ। कौन? मैं। तो शोएब अख्तर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने आज पिंडी में बॉलिंग की है, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं। इस ज़माने के वो ऐसे बॉलर हैं कि पवेलियन से जब बैट्समैन निकलता है तो कुछ पढ़ता हुआ निकलता है कि शोएब अख्तर को फेस करना है। वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। ये पत्थर फेंक दे, ये पत्थर फेंके। मैंने बोला था ना मेरे से कोई गलत बात करता है तो मैं पत्थर मारूंगा। साले गलत बात करता है, अपने अल्फाज वापस ले, ताक के अगर मार दिया ना तो सर फोल खोल दूंगा मैं तेरा। आप मेरे भाई हैं। हाँ, इसको रख दे, बस पत्थर वापस दो मेरा। आप ये पत्थर फेंक दे। फेंक दूँ? फेंक दे। देखो मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, फेंक दूँ? फेंक दे, फेंक दे। फिर पूछ रहा हूँ मैं, फेंक दे। हैं? फेंक दे। लो फेंक दिया। ये मेरा मतलब उस तरफ फेंके। अरे अभी तो तुमने बोला ना कि पत्थर फेंक दो भाई, खुद ही बोला मैंने फेंक दिया। गलत बात करोगे पत्थर आएगा, याद रखना। सही बात करोगे मैं वादा करता हूँ पत्थर नहीं फेंकूंगा। लंच के बाद जब मैच शुरू हुआ तो मैच तो मुझे मज़े का लग रहा है। 5 दिन का मैच है और पता नहीं कि सेकेंड इनिंग में विकेट कैसे खेलती है, अभी तो सपोर्ट कर रही है बॉलर्स को। चले ना, वो बात छोड़े इसको, आप तीसरा टेस्ट देखने क्यों नहीं गए पिंडी? क्या कह रहे हो? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तीसरा टेस्ट देखने पिंडी क्यों नहीं? तीसरा टेस्ट देखने पिंडी क्यों नहीं गए? हम जाते, अगर मुझे बना देना वो क्या कहते हैं उसको, बोर्ड का चेयरमैन, तो फिर मैं जाता। आपको चेयरमैन क्यों बनाएंगे? वो है ना शहर यार है, मैं मुल्क यार हूँ, मुल्क बड़ा होता है। आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कैसे बन सकते? मुझे मेरा काम करने दो और आप खुद है ना अपना काम करो, मेरा दिमाग नहीं खराब करना बजिया। मैं बजिया नहीं, मैं चुप बे, मैं जब बोल रहा हूँ तुम बजिया हो, तुम बजिया हो, और नहीं बजिया नहीं हो तो पत्थर मारूंगा। मैं खाली बजिया की इज्जत करता हूँ, बजिया तुम नहीं हो तो पत्थर मारूंगा। बेटे आप जीते रहे। हाँ बस सही है, बात यह है। हाँ आपसे मैं डर गया। हमारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, लोग बिला वजह उसको बुरा भला कहते हैं। मैच में हार जीत होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़े ही आदमी जीता जाए, टीम जीतती जाए। कराची में याद है आपको? कराची में वनडे याद है आपको? याद है ना, हिंदुस्तान ने 350 के करीब बनाए थे और पाकिस्तान 5 रन से वो मैच हार गया था, कुल 5 रन से। कितना अच्छा खेली, 60,000 आदमी मैच देखने गए। और अब खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान मैच हार गया था, उसके बावजूद वो 60,000 आदमी मुस्कुरा कर
भारत की कामयाब तालियां बजाते हुए घर वापस गए। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना, झूठ बोलेगा ना पत्थर मारूंगा तुझे, पत्थर मारूंगा झूठ बोलेगा। ये बताओ कराची में कितने पागल है? 60-70 हज़ार होंगे। वो सब वहाँ मैच देखने गए थे, समझ में आई बात? पाकिस्तान के हारने पर अपने मुल्क के लोग अपनी टीम के खिलाफ तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये पागल ही कर सकता है कोई? नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता, क्यों बजिया? ये दोस्ती की सीरीज है। हो गई दोस्ती? नहीं हो रही है। हो रही है? हो रही है। किधर है? हो रही है ना। अगर किसी को बताया ना पत्थर मारूंगा, जब तक ये दोस्ती हो रही है ना, तुम माल कमाओ माल। माल कमाओ माल। क्या मतलब माल कमाओ? अबे इश्तिहार दिखा, जो जिससे तुम लोग पैसे कमाते हो दिखाओ इश्तिहार, नहीं तो देता हूँ पत्थर। आप लोग इश्तिहार देखें। हाँ पहले दिन लंच के बाद पाकिस्तान के 126 पे आउट हो गए थे। 126 पे कितने आउट हो गए थे? 6 6। अगर घास थोड़ी सी और ज्यादा होती ना तो 6 पे 126 होते। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत की दोस्ती की। चलो पाकिस्तान भारत की दोस्ती, ये कोई दोस्ती हो रही है? दोस्ती हो रही है? अबे ये कोई शादी है जो हो रही है? हैं, एक शादी है जो हो रही है? 56-57 साल की उम्र में कह रहे दोस्ती हो रही है? अबे इस उम्र में दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है, इस उम्र में दोस्ती ख़त्म हो जाती है। तुम क्या बात कर रहे हो? बात कर रहे हो 56-57 साल की उम्र में दोस्ती हो रही है? दोस्ती हो रही है? ये जो पत्थर यहाँ रखे हुए ना, इससे बड़े बड़े पत्थर दोस्ती के रास्ते में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े रोड़े हैं, अटकाऊँ? दोस्ती किसी उम्र में भी हो सकती है। अरे चलो चलो क्रिकेट पे बात करो, क्रिकेट पे 137 पर 6 सात हो गए। हाँ सात हो गए। सात हो गए। हाँ सात हो गए। अभी पता है क्या है, मैच के दौरान है ना, मैं वो आया, फोन आया उसको, क्या नाम है अपना, कोच को फोन आया, हेलो बैटिंग कैसी हो रही है? सुपर। और ये बताओ कि फील्डिंग कैसी हो रही है? सुपर। और जो है ये फील्डिंग कैसी हो रही है? सुपर। मैच कैसा हो रहा है? सुपर। ये बताओ कोचिंग कैसी हो रही है? सुपर। एक मिनट, सुपर। सुना है कि पाकिस्तान ने कोच बदल लिया? क्या 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 क्या, ये इश्तिहार मैंने बनाया था, बोल अच्छा है, नहीं तो मारूंगा पत्थर खींच के, बता रहा हूँ, बोलो अच्छा है? अच्छा है। हाँ आपने बात की है कोच की, तो मैं जावेद मियांदाद के लिए एक बात कहूँगा। हाँ। कि उनसे अच्छा कोच हमें नहीं मिल सकता। वैसे उनको हमेशा के लिए कोच मुकर्रर कर देना चाहिए। जितने क्रिकेट जावेद जानते हैं और जिस तरह के वो बैट्समैन थे, ये तो पाकिस्तान के लिए वो एक सरमाया है पाकिस्तान का। इसीलिए पता है मैं जो है ना एक गाना गाता हूँ, मेरे दोस्त बहुत पसंद कर रहे हैं उस गाने को, मेरे गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं गाता हूँ, इंशा जी उठो अब कोच करो इस टीम को, अब समझाना क्या। 138 पे हमारे 8 खिलाड़ी आउट हो गए। वैसे एक बात तुमको बताऊं भजिया, मैं जो है ना झूठ नहीं बोलता और मैं कसम भी नहीं खाता, लेकिन आज मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं फजले अकबर से है ना ज्यादा अच्छी बैटिंग कर सकता हूं। फजले अकबर बॉलर हैं। फजूल बात करेगा ना, मार दूंगा खींच के, सर फाड़ दूंगा। टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच। आप और क्या करते हैं? वैसे तुमको है ना मुबारक कि टीम ने 150 रन बना दिए। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, और जवाब सही नहीं दिया ना पत्थर मारूंगा। ये बताओ फजले अकबर ने हाथ में बल्ला क्यों लिया था? बॉल को मारने के लिए? हैं, बॉल को मारने के लिए? नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने उसको दो लाते भी दिए, वो लातों से क्रिकेट खेल रहा था, लातों से।
जब लातों से क्रिकेट खेल रहा था भजिया, तो ये बताओ कि उसको बल्ले का बोझ उठाने की क्या जरूरत थी? वो घबराए हुए थे। अबे अगर परेशान थे तो पिकनिक पे जाते, हैं? मैच खेलने की क्या जरूरत थी? और तुम देख लेना, कल जो है ना पूरी दुनिया में छुट्टी होगी, वर्ल्ड हॉलीडे। वर्ल्ड हॉलीडे? हाँ, क्यों? फजले अकबर ने कुंबले की दो गेंद के ऊपर दो चौके मारे, वर्ल्ड हॉलीडे। क्रिकेट को भूल जाए। अबे यही बात तुम पाकिस्तानी टीम को क्यों नहीं समझाते कि क्रिकेट को भूल जाए? क्रिकेट के अलावा मैं आपसे किस मौजू पे बात कर सकता हूँ? फॉरेन पॉलिसी पे बात करो। आपसे मैं फॉरेन पॉलिसी पे बात करूँ? अबे और क्या क्या बात करेंगे आप फॉरेन पॉलिसी पे? अगर मेरे पास महंगे सूट और महंगी टाई और महंगी शर्टें होती तो मैं भी फॉरेन मिनिस्टर होता। हमारा कसूर यह है कि हमारे पास ये सब चीजें नहीं है। आप अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हो जाते तो क्या करते आप? अबे मैं पता है क्या करता, पहले तो जो है ना, पहले मैं जाता किसी दुनिया के बड़े मुल्क में और वहाँ पर ले लेता पॉलिटिकल असाइलम, सियासी पना। थोड़ी देर पहले तो आप ठीक ठाक बातें कर रहे थे। अबे याद रखना, पागल को नॉर्मल होने में 2 मिनट लगते हैं भजिया। अब आप नॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं। तालीम हासिल की है? अबे मैं पागल हूँ कोई? अगला लफ्ज मत कहिएगा। मत मेरा दिमाग खराब करना, पत्थर मार दूंगा खींच के साले। याद रखना, बहुत तेरी इज्जत कर ली, दिमाग खराब नहीं करना मेरा, खींच के मारूंगा। मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगा किसी को, मेरे से मुंह नहीं लगे कोई भी। मैं तालीम के बारे में पूछ रहा था। हाँ आराम से बात करियो। मैं तालीम के बारे में पूछ रहा था। क्या कि आपने तालीम? तालीम की वजह से तो मैं पागल हुआ हूँ। क्यों? एमएमए जो है ना, वो मेरे एक टीचर को मैंने बोल दिया, मैंने अपने टीचर को बोला, मैंने कहा बे जब तुझे इंग्लिश पढ़ाना नहीं आती तो तू इंग्लिश क्यों पढ़ाता है? मुझसे कहने लगा साले तू पागल है। मैंने कहा ऐसी इंग्लिश की तालीम हासिल करने से तो बेहतर है मैं पागल हो जाऊं। बस फिर मैं पागल हो गया। मैं क्या करता था कि ना, मैं छुप के बैठ जाता था, जब वो इंग्लिश के टीचर निकलते थे ना, मैं ताक ताक के पत्थर मारता था, मैं ताक ताक के पत्थर मारता था, समझे? मेरे चोट लग गई है, आप जब तक इश्तहार देखें मैं सहलाता हूँ जरा सा। उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी टीम इतने रन बनाएगी। 200 से ज्यादा रन बनाए हमारी टीम ने, और समी और फजले अकबर की पार्टनरशिप में 70 रन बने। मगर मजे की बात यह हुई कि हिंदुस्तान ने जब अपनी इनिंग का आगाज किया तो शोएब अख्तर की पहली गेंद पर सेवाक आउट हो गए। मिठाई बांटो, मिठाई बांटो, बोर्ड के लड्डू, क्या कह रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के गुलाब जामुन, सिलेक्शन कमेटी की चुर्री, मिठाई बांट, मिठाई मिठाई बांट मिठाई। आप ऐसे आपकी और बात करें, छोड़ें आप क्रिकेट पे कुछ नहीं बोलेंगे अब। आपके बारे में मैंने सुना था कि आपको एक लड़की से इश्क हो गया था, जब उसकी शादी कहीं और हो गई तो फिर आपकी ऐसी हालत हुई। ये तुझे किसने बताया बे? ये इसको रख दे, इसको रख दे। किसने बताया तुझे? इसको रख दें आप प्लीज़। नहीं, ख़त्म, फिनिश। किसने बताया तुझे ये बात? ये आपके एक दोस्त ने बताई मुझे। बता दी? हाँ। ओ उसी दोस्त ने ना फिर उस लड़की से शादी कर ली। साले का भी फोन आया था 2 महीने पहले कि यार मैं तलाक दे रहा हूँ, तू शादी कर ले, 2 साल में उसको नाक चने चबवा दिया। अच्छा हुआ ना बच गया। आपको इश्क था उससे? हाँ कुछ था यार, कुछ था। शक्ल कैसी थी उसकी? हैं? शक्ल कैसी? नमकीन। लेकिन अभी तो मैंने देखा ना, नमक का पहाड़ हो गई है, नमक का पहाड़ कू बकू फैल गई है ना, कू बकू फैल गई, बात शनासाएगी। साले पत्थर उठाता मेरा, इधर रख, इधर पत्थर रख, इधर वापस रख पत्थर, इधर इधर पत्थर रख, मेरा पत्थर रख दे, रख दे इधर मेरा पत्थर, रख दे रख दे। पत्थर को हाथ लगाएगा ना, याद रखना, अगर पत्थर को हाथ लगाया जान से मार दूंगा, समझे? पत्थर नहीं हाथ लगाना मेरा। आप मुझे नॉर्मल इंसान लग रहे हैं। मैं आपसे, मैं भी कभी कसम नहीं खाता, मैं कसम खाए कहता हूँ कहा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे भजिया दिल खुश कर दिया तुमने, मेरा दिल खुश कर दिया। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया?
किसको? किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को? हाँ, अबे डॉक्टर को दिखाया था मेरे अब्बा ने एक दफा। जब डॉक्टर ने फीस बताई ना, मेरे अब्बा कहने लगे साला पागल हो गया है, कहने लगे इतनी फीस से तो बेहतर है कि मैं अपने बेटे को है ना पागल रहने दूँ। नहीं नहीं, आप नॉर्मल हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। लू स्टॉक में मेरे जितने मेहमान अब तक आए हैं, उन सब में सबसे ज्यादा नॉर्मल मुझे आप लगे। अबे नहीं यार जी, सबसे ज्यादा जी जी, थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप ये? देखो खाली थैंक यू अच्छा नहीं लगता ना, थैंक यू के साथ कुछ देना चाहिए ना। ये ऐसी तैसी, चुप हो जा, चुप हो जा बस। डांट दिया, बदतमीजी करता है साले, मेरे को मारता है, मेरे को मारता है। ये ले, चुप हो जा, ये ले, फेंक के मार दूंगा। कल मुलाकात होगी आपसे। कल बचेगा तो होगी ना, तू बचेगा तो होगी। हाँ, मैं तेरे को बताऊंगा, तूने मेरे को डांटा ना। दूसरे दिन के खेल पे बात करूंगा, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह की हरकतें भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।